वीर्य को रोकने के आखिर फायदे क्या होते हैं? अगर हम इसे लंबे टाइम तक रोक के रखें तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं? भाई पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में होगी, सिर्फ चांद बाहर होगा। कहने का मतलब है कि चेहरे पे एक तेज होगा, बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और ऐसा लगेगा बस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लो। वैसे इस पूरी दुनिया को मुट्ठी में रख के आप कर क्या लोगे? क्योंकि मृत्यु तो आपकी मुट्ठी में नहीं, वो तो आज नहीं तो कल आनी है। देखिए, अगर आप सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आपके कुछ लक्ष्य हैं जो आपने तय किए हुए हैं, तो बात एक अलग है। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसे में तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बीवी तो बोल देगी ये नॉन वर्किंग टूल का मैं क्या करूं, ये क्या दिखाने के लिए है, शादी क्यों करी फिर? वो पुरुष जो कि गृहस्थ जीवन को जीने का इच्छुक है, वो चाहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता और उसे करना भी नहीं चाहिए। हाँ, आवश्यकता अनुसार उसे जब लगे कि मुझे इस वक्त अपने वीर्य को रोकने की जरूरत है, मेरे कुछ लक्ष्य हैं, मेरे कुछ गोल हैं लाइफ में, कुछ ऐसे टारगेट उसने सेट किए हुए हैं, कुछ सर्टन टाइम तक वो अपने वीर्य को रोक सकता है। अपनी इच्छा शक्ति से अपने उस इंद्रियों पर जो कि उसके अंदर काम वासना जागृत करे, इन चीजों पर वो काबू पा सकता है और ये होना भी चाहिए। ये बेवजह में वीर्य का नाश करना, ये भी तो कोई समझदारी नहीं है ना, वरना शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी आती है, आत्मविश्वास की भी कमी आती है। अब चलो थोड़ा और खुलकर बात कर लेते हैं इन गृहस्थी वाले लोगों की, क्योंकि 99% लोग इस समाज में इसी श्रेणी में आते हैं। आप, मैं, हम सब, ये जो समाज है ये गृहस्थ प्राणियों से ही मिलकर बना है। इन्हीं लोगों को काम वासना, काम इच्छा, भोग विलास जैसी चीजें आकर्षित करती हैं। अगर आपकी उम्र 16 से 23 वर्ष है और आप किशोर या युवा की श्रेणी में आते हैं, तो ये वही टाइम होता है जब किसी किशोर के अंदर हॉर्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और उसका जो वीर्य होता है वो पर्याप्त मात्रा से ज्यादा बनता है। उस वक्त वीर्य को रोकने से नाइटफॉल जैसी समस्या भी पैदा हो जाती है। आप चाहे इसे रोको या ना रोको, ये स्वप्न दोष जैसी समस्या तो बनी ही रहती है। कुछ युवक इस नाइटफॉल जैसी समस्या को कंट्रोल में करने के लिए इस वीर्य की निकासी भी करते हैं, लेकिन ये इस लेवल पे इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में आकर आपको गुप्त रोगों का सामना करना पड़े। और अगर कोई युवक अपने वीर्य के वेग को कंट्रोल करने के लिए मैस्टर्बेशन जैसी चीजें भी ना करे और सेक्स से भी पूरी तरह से दूरी बना ले, तो डेफिनेटली उसको इस काम में सफलता मिल सकती है। उसकी गुप्त इंद्रियों में ये वीर्य का वेग आना कम हो सकता है। और अगर आप ये सर्टेन टाइम के लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके कुछ लक्ष्य हैं, आपने कुछ डिसाइड किया हुआ, आप फोकस हो अपने लक्ष्य के प्रति और आप अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहते, आपके कुछ टारगेट अचीव करने हैं, आप बिल्कुल करो। लेकिन ये सर्टेन टाइम तक ही सही है। अगर आपको गृहस्थ जीवन भी, मतलब आगे आपको फ्यूचर में गृहस्थी भी बसानी है, तो इस ज्यादा टाइम तक अगर आप वीर्य को रोकने की अपनी प्रैक्टिस में लगे रहोगे तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, आपके गृहस्थ जीवन में बाधा पहुंचा सकता है। इस वीर्य को लंबे टाइम तक रोक के आप अपने शरीर में जरूर एनर्जी तो महसूस कर रहे हो, लेकिन अनजाने में आप अपने इंद्रियों की जो एनर्जी है उसे कम करते जा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने वीर्य के वेग को ना रोक कर और पूरा दिन रात इसे नष्ट करने में लगा दो, इसकी सलाह नहीं दे रही हूं मैं, क्योंकि किसी भी काम की अधिकता आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वैसे भी हमारे शरीर में कई तरह के वेग होते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, पेशाब आना, इसी तरह से वीर्य का ये जो निष्कासन है ये भी एक तरह का वेग है। और तो ये जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं, जो ऊपर से सिस्टम इनबिल्ड होकर आया है, ये समय समय पर ये जरूरतें पूरी होती रहे, इसी में भलाई है। क्योंकि गुप्त इंद्रियों में वेग तभी आता है जब समय समय पर ब्लड फ्लो होता रहता है। अगर लंबे टाइम तक ब्लड फ्लो नहीं हुआ या कम हुआ तो पीनस में शीथलता आ जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। फिर पहले की तरह अपने पीनस में तनाव लाने के लिए, वो भरपूर इरेक्शन लाने के लिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप एक शादीशुदा जिंदगी जीना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक बेहतर सेक्स लाइफ का आनंद उठाना चाहते हैं, तो खुद को किसी से इन्फ्लुएंस में आकर, किसी भी मोटिवेशन, कोई वीडियो देख लिया आपने, कुछ ऐसा मोटिवेशनल होते हैं ना लोग कि कर देते हैं कि यार तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, करो अपने उस वीर्य को रोकने की प्रैक्टिस को करो। मैं मना नहीं कर रही है, अच्छा है, लेकिन इस प्रैक्टिस को इस लेवल पे फॉलो ना करो कि आपको आपके गृहस्थ जीवन में आगे दिक्कतें आए। वीर्य रोकने की जो प्रैक्टिस है इसे फॉलो करो, लेकिन इस लेवल पे करो कि आपका जो शरीर है वो इतना तैयार हो जाए, आपका उसके ऊपर इतना नियंत्रण हो जाए कि आपको पता हो कि मुझे कब डिस्चार्ज करना है कब नहीं।
या आपका मोहताज हो, आपका कंट्रोल हो उसके ऊपर, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, या आपको आपकी सेक्स लाइफ में भी काफी फायदा पहुंचाएगा और आपके जो अपने लक्ष्य हैं जो आपको अचीव करने हैं, आपके जो गोल हैं उसमें तो आपको फायदा पहुंचाएगा ही, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। वो जो सन्यासी लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी जिंदगी का वही एक उद्देश्य होता है। उन्हें ना अपनी जिंदगी में कोई बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना लग्जरी, उससे कोसों दूर होते हैं। वो अपने इंद्रियों पे डे बाय डे काबू करते चले जाते हैं। वो अपनी योग शक्ति से अपने इंद्रियों को इस लेवल पे नियंत्रित कर लेते हैं कि काम वासना उन्हें छू भी नहीं पाती। लेकिन आपको साधु बनने की क्या जरूरत है इसके लिए? आपको तो बस एक ऐसा कंट्रोल चाहिए अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था पे कि आपका जो वीर्य है वो जरूरत से ज्यादा नष्ट ना हो, वो बहे ना, आपको कोई शारीरिक कमजोरी महसूस ना हो उसकी वजह से, आपकी आपका जो मानसिक स्टेटस है वो डिस्टर्ब ना हो, एक पीस रहे मन में। अदरवाइज आपको आगे जाके शादी बच्चे यही सभी तो करना है, तब आपको इसी चीज की जरूरत पड़ेगी, इसी वीर्य की, इसी इरेक्शन की, तब कहां से लेकर आओगे? तो ये संसारिक जीवन को जीने के लिए बस हर चीज में बैलेंस का होना जरूरी है। आपने अगर बैलेंस बनाना सीख लिया तो आपको अपने वीर्य को पूर्ण तरह से वो लगाम, वो रोक लगाने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बड़े बड़े लोगों को देख लो जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़ी अचीवमेंट हासिल करे, वो कभी भी साधु नहीं बने, कभी जंगल नहीं गए, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, फिर वो चाहे कोई भी हो। आपके दिमाग में घूम रहे होंगे लोग, शाहरुख खान को ले लो, विराट कोहली को ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो, सभी मैरिड हैं और सभी ने ही अपनी लाइफ को भरपूर जिया, एंजॉय किया और अचीवमेंट भी हासिल करी, उन्होंने भी लड़कियां घुमाई, वो सारे काम किए जो एक इंसान करता अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हुए ना। तो सक्सेस होने के लिए वीर्य को पूरी तरह से रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर बहुत ज्यादा है कि हाँ मुझे तो भाई कुछ टाइम के लिए नो फैब जैसे आंदोलन में शामिल होना ही पड़ेगा या मुझे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज है। अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस लेवल पे है कि आप मैस्टर्बेशन के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि आपको बिल्कुल नो ही करना है, वीर्य को एकदम से रोकना है, तो वो एक अलग स्टेज होती है। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल प्राणी है, आपके साथ ये वाली दिक्कतें नहीं है, आपका वीर्य नाश नहीं हुआ है, शारीरिक कमजोरी नहीं है, मानसिक कमजोरी नहीं है, बस यही कभी कभी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो वो तो हर किसी इंसान के साथ है, कभी कभी हो जाता है उसके साथ ऐसा। उसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, नो फैब को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो, इधर उधर घूमो, एंजॉय करो, मस्ती भी कर लो, दोबारा आप उस स्टेज पे, वो नियंत्रित स्टेज पे वापस आ जाएंगे। सब कुछ अपने ऊपर है, अपने कंट्रोल करने की चीज है, तो ये करिए। हाँ अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं वीर्य को रोक कर नो फैब ज्वाइन करके पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया तो चांद बाहर हो, तो आपकी पर्सनल च्वाइस है, वो आप कर सकते हैं। एनीवे ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।